सो गाइस आज की क्लास स्टार्ट होगी मैथ्स की, जो कि एसएससी, व्यापम, रेलवे जितने भी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास होगी। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 9 से विभाजित हो जाती है, जो कि RRB, RRP, कॉन्स्टेबल जितने भी एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के घंटे को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तब तक वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन घंटे को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। ये RRB में पूछा गया है, SSC, रेलवे, व्यापम जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लासेस है, ठीक है। देखिए जो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 9 से विभाजित होती है, तो 9 से विभाजित हो तो ये ऐसी संख्या 100 है और ये 9 है, 100 अंक, ठीक है। ये 3 अंकों की ऐसी संख्याएँ हैं जो सबसे छोटी संख्या 100 हो गई है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 यानी कि 999 हो गई है। अब देखेंगे 9 से विभाजित कौन से होती, तो सबसे छोटी अंक यानी कि 9 से विभाजित होती है बोला गया है, तो 9 से विभाजित होती है मतलब यहाँ पर 108, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इस क्लास को, ठीक है। ऐसी एग्जाम में आता है इसीलिए मैं आप सभी को करा रहा हूँ, ठीक है। मैथ से संबंधित क्लासेस आज से स्टार्ट हो जाएगी और 10 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है। व्यापम की तैयारी करने के लिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की और छात्रावास अधीक्षक की प्लेलिस्ट पर आप जाके देख सकते हैं, यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाइए और छात्रावास अधीक्षक की क्लासेस कंटिन्यू करते रहिएगा, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 108 होगी और सबसे बड़ी संख्या यानी कि किससे भागी, 9 से, यानी कि कितना हो जाएगी, 9, 9 और ये 9, ठीक है। ये हो गया, तो मिनिमम कितना हो गया, मिनिमम आपका हो गया है देखिए, और मैक्सिमम आपका 999 और मिनिमम आपका, ठीक है, कितना है यहाँ पर, 108 है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम बटे कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1, ये आपके लिए फार्मूला है, ठीक है। इसमें आप नोट कीजिएगा और याद रखिएगा, तो मैक्सिमम कितना है आपका, मैक्सिमम आपका 9, 9 और ये 9 हो गया है। इसके बाद मिनिमम आपका 108 है, ठीक है, इसको छोड़ यहाँ पर, ये 108 है, ठीक है। मिनिमम आपका 108 है बटे कितना है, 9 है और प्लस 1 है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। अब इस क्या करेंगे, देखिए जो इसको यहाँ तक नोट कर लिए क्या, यहाँ तक नोट कर लिए, ठीक, यहाँ तक नोट कर लिए ना, यहाँ तक नोट कर लिए क्या, देखिए यहाँ तक नोट कर लिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिए तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक, यहाँ तक नोट कर लिए ना कि नहीं किए, ठीक, नोट कीजिए यहाँ पर, चलिए नोट कर लिए। चल देखिए अब ध्यान से देखिएगा कहाँ था, हम तो मैक्सिमम लिखते हैं, ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, एक मिनट ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम 9 प्लस 1, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए इसमें मार रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 9 यहाँ पर, 9, 9 और ये 9 माइनस 108 बटे 9 प्लस 1, ठीक है, ये 9 हो गया ना। देखिए अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए अब यहाँ से अगर इनमें इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 891, ठीक है, 891, ठीक। इसके बाद 9 तो नीचे में दिया गया है और प्लस 1, यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, अगर इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 यानी कि 100। तो आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ए, ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, राहुल, गीता, सोनू, मोनू, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि 16, 32, 64, 128 इस क्रम का 11वां अंक कौन सा होगा, ये कौन सा श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी, कौन सा है, गुणोत्तर श्रेणी। देखिए अब गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा, तो ये सेकंड क्वेश्चन हल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फार्मूला बता दूंगा कि गुणोत्तर श्रेणी क्या है और समांतर श्रेणी क्या है, उसको डिटेल समझा दूंगा, ठीक है। देखिए गुणोत्तर श्रेणी का मतलब होता है गुणा, ठीक है, समांतर का मतलब होता है समान में यानी कि प्लस। अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी कैसे पहचानेंगे, तो राहुल बोल रहा है, गीता भी बोल रही है कि समांतर श्रेणी होता है क्या है, तो ठीक है मैं इसको सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ऐसी डेली क्लासेस कराया जाएगी जो कि देखिए जितने भी है सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी को रेलवे का क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप तैयार हो जाएगा, SSC जितने भी क्वेश्चन रहते हैं CG, आप में PSC में पूछे जाते हैं, ठीक है।
जो देखिए 16, 32, 64 और 128 कौन से क्रम का है, तो ये 11वें का अंक क्या होगा यह पूछा गया है, ठीक है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, तो गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिएगा ना, एक मिनट, गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला होता है आपका यहाँ पर ए आर के पावर एन माइनस वन, ये आपका होगा गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी। अब इसमें फार्मूला मान रखेंगे, देखिए 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, मतलब किसका गुणा हो रहा है, दो का गुणा हो रहा है, ठीक है, किसका गुणा हो रहा है, दो का गुणा किया जा रहा है, ठीक है, कितना गुणा किया जा रहा है, दो का गुणा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, तो गुणोत्तर श्रेणी मान रखते हैं, तो ए के पावर कितना है हमारा 16, ठीक है, ये यानी कि ये हमारा पहला पद हो गया, ए का मान यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ए का मान आपका 16 है, ठीक है, ए का मान 16 है। और आर के पावर कितना है, आर का मान कितना है यहाँ पर, आर आपका 2, गुणोत्तर मतलब 2, ठीक है, आर का मान हो गया यहाँ पर आपका 2, ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा, आर का मान 2 हो गया है। और देखिए एन का कौन सा है, एनवा क्रम, यानी कि एन का मान हो गया है आपका 11, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, चलिए अब फार्मूला में मान रखते हैं, तो फार्मूला मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 बराबर कितना आ जाएगा, 16 बराबर 2, एक मिनट में 2 हो जाएगा वहाँ पर 2, और क्या हो जाएगा, मार रखिए जल्दी, ये हो जाएगा 11 माइनस 1, ठीक, यहाँ तक हो गया, समझ आ गया, ठीक। 16, अब इसमें एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो 16 ये आपका 16 बराबर ना, एक मिनट, 16 का पावर कितना हो जाएगा, 2 के घात 10 हो जाएगा, ठीक है, 16 के पावर 2 के घात 10 हो जाएगा। तो इसके बाद सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, 16 के घात 2 के पावर 10, यानी कि 16 यहाँ गुना है ना, ये गुना है आपका, ठीक है, यहाँ पर एक गुना हो गया, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 16 गुणित 1024, ठीक है, ये गुना है आपका, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया, 1024 हो गया। अब इन दोनों को यहाँ से गुणा करेंगे, तो इनको गुणा करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा आपका, इनका गुणा करेंगे तो 16384 हो जाएगा, ठीक है, इसका इनके साथ गुणा करेंगे तो 16384 आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 384 ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। यहाँ आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, देखिए यहाँ पर ये वाला, तो ये गुणा है, ठीक है, यहाँ पर ये 2 के घात 10 है, ठीक है, ये 2 के घात 10 है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जो कोई आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी है और ये समांतर श्रेणी है, तो गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला होगा टी फॉर एच एन पावर ए के घात आर एन माइनस वन, ए पावर आर एन माइनस वन, ठीक है, और से समांतर श्रेणी का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ये सर्वोत्तर है, ठीक है, ये ए के घात पहला होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब समांतर क्वेश्चन होता है क्या, देखिए ये मैं आपको बता दिया गुणोत्तर श्रेणी का सेकंड क्वेश्चन है और समांतर श्रेणी का प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी से, जो समांतर श्रेणी में पूछा गया है, समांतर √2, 3√2, 5√2, 7√2, श्रेणी का दसवा पद कौन सा है, ठीक है, अब दसवा पद कौन सा है, तो देखिए 2√3, 3√2, 5√2, ये सब दिया गया, ठीक है, उसके बाद दिया गया है 7√2, इसको नोट करते हुए चलेगा, ध्यान से समझिएगा कि होता क्या है, ये समांतर श्रेणी से पूछा गया प्रश्न है। देखिए अब +2√2 और +2√2 ये सब सेम ही है, अगर जोड़ेंगे तो सेम सेम ही आएगा, ठीक है, अगर इसमें देखिए 2 है यहाँ, मान लो जगह 2 रहता, ठीक है, 2 के बाद 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, उसी प्रकार दिया गया ना, उसी प्रकार बनेगा, इसमें क्या जोड़ना है, 2√2 प्रत्येक पद में जोड़ना है। देखिए अगर प्रत्येक पद में जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो बनते जा रहा है, 2 के बाद कितना 3 आ रहा है, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा 5 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, 2√2 इसमें जोड़ना है, ठीक है। अब इसके फार्मूला में सॉल्व करते हैं, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, टी एच पावर यहाँ पर देखेंगे तो ए के पावर कितना है, ए प्लस एन माइनस वन, ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन डी, एक मिनट ना, ये मिस्टेक हो जा रहा है, ये डी, ठीक है, ये डी हो गया, ये आपके लिए फार्मूला हो जाएगा समांतर श्रेणी के लिए। अब ये होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर
ये फार्मूला मार रखेंगे, तो फार्मूला मार रखते हैं तो अंडर रूट टू बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 2 √2, 9 × 2 √2। ये यहाँ तक क्लियर हो गया ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, अंडर रूट टू ये इनका गुणा कर देंगे इससे ठीक है, गुणा है तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू बराबर 9 × 2 = 18 अंडर रूट टू। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया तो क्या करेंगे, ये और ये कितना है, ये और ये सेम है ठीक है, ये और ये क्या है सेम है, तो 18 और 1 एक संख्या इधर है ठीक है, क्या करेंगे इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 19 एंड एक मिनट ना, ये आपका हो जाएगा 19 √2। ये आपके ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, तो आपके आंसर डी हो जाएगा ठीक है। ये आपको समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया होगा ठीक है, 2√2 यानी कि आपको हो जाएगा ये आंसर डी होगा ठीक है। आज के लिए इतना ही ठीक, समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे CGPSC व्यापम में। ये आपके लिए मैं ऐसी एक छोटा सा वीडियो लाया था जो कि कैसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में ठीक है, तो कल से आपका CGPSC और व्यापम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, नल टंकी सामान्य से और चाल समय दूरी से देखेंगे ठीक है।